तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला हेडिंग है विद्युत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर हमारा ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो इनके बीच इसलिए आकर्षण बल कार्य करता है। तो मूल कणों के इस गुण को ही हम, जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं हम विद्युत आवेश। अब हेडिंग है आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। इसका सूत्र होता है क्यू इक्वल एनी, एक और होता है क्यू इक्वल आई टी। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है। अल्फा कण का आवेश प्लस टू ई होता है, जहां ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर वन है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब एक जैसे जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात धन धन प्रतिकर्षित करेगा, ऋण और ऋण प्रतिकर्षित करेगा। जबकि विजातीय आवेश, विजातीय का अर्थ होता है एक धन हो और एक ऋण हो, तो यह विजातीय आवेश होते हैं, यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर सेकेंड है वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। नंबर थर्ड है वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। नंबर फोर्थ नंबर है ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात सूत्र होता है इसका क्यू इक्वल एनी। जैसे क्यू का जो वैल्यू है वो 2e 3e 4e, यानी पूर्ण गुणज होगा, अर्थात इस प्रकार नहीं हो सकता कि क्यू इक्वल ई अपॉन 2 हो, ई अपॉन 3 हो, ई अपॉन 4 हो, तो यह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा क्यू इक्वल एन ई। नेक्स्ट हेडिंग है चालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन्हें चालक कहते हैं, जैसे धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर, पृथ्वी आदि। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत रोधी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कांच, पोर्सलिन, प्लास्टिक, लकड़ी आदि, ये सभी विद्युत रोधी हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत रोधी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम, कुचालक कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं, या विद्युत रोधी इत्यादि नामों से इनको जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं विद्युत रोधी के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। नेक्स्ट हेडिंग है कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। अब इसे ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु
ए ले लिया और दूसरा बिंदु वी ले लिया। बिंदु ए पर क्यू वन आवेश है जबकि बिंदु बी पर क्यू टू आवेश है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने आर मान लिया। तो डेफिनेशन इस प्रकार थी हमारी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो दो बिंदु हैं, एक यह है एक यह है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब लगेगा? यदि दोनों आवेश समान हों, अर्थात दोनों पर या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो तो उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। तो इसलिए डेफिनेशन में है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती क्यू वन क्यू टू, तथा उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी है आर, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो यहाँ पर एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वेयर के इज कांस्टेंट, के है वह कांस्टेंट है अर्थात नियतांक है। इसका जो वैल्यू है के का वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों तब नेतांक के को 1/4πε0 लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी प्रकार यह हमारा कूलाम का नियम, यही हमारा कूलाम का नियम है। एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है अर्थात इसका जो मात्रक और वैल्यू होता है वो है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85×10⁻¹2 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह इसका वैल्यू होता है और इसका मात्रक यह होता है। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आवेश वाहकों की परिकल्पना के का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है तथा वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे NaCl है हमारा, तो Na का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 11, जिसको हम लिख सकते हैं 2, 8, 1, जबकि Cl को लिख सकते हैं, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2, 8, 7। अर्थात Na के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए तो यहाँ पर रह जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो अपनी जगह स्थिर रहता है। तो इस प्रकार इनमें जो डिफरेंस है वो प्लस एक का हो जाएगा। 11 में से 10 को माइनस किया तो प्लस का एक आ गया, अर्थात Na पर प्लस की एक वैलेंसी होगी। इसी प्रकार Cl 17 परमाणु क्रमांक है, इसके अंतिम कोष में 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इसमें 17 Cl में Cl के परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन होंगे। तो यदि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, अर्थात कोष पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए 18 कर लिए और प्रोटॉन जितने थे वही रहेंगे, तो इस प्रकार यहाँ 17 रहे। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो माइनस एक का आएगा, इस प्रकार Cl पर माइनस एक होता है। अर्थात आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है
वो काफ़ी कम होता है प्रोटॉन के तुलना में। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1837 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। और दूसरा कारण है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल होता है, इसलिए जो प्रोटॉन है वो अपने स्थान से नहीं जाता बल्कि इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है।